उइगर मुसलमानों पर चीन की बढ़ती बर्बरता की खबरों के बीच अब चीन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था का डंडा चल गया है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष मानवाधिकार अधिकारी मिशेल की टीम का चीन का 6 दिवसीय दौरा समाप्त हो गया। बाचलेट ने चीनी अधिकारियों के सामने आतंक विरोधी नीतियों की समीक्षा करने के लिए कहा है। ये यात्रा किसी जांच के लिए नहीं थी बल्कि चीनी नेताओं के समक्ष चिंताजनक मसलों को उठाने का मौका था। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अब भी दुनिया को नजर नहीं आ रहा जो चीन उइगरों के साथ कर रहा और क्या कहा गया है, आगे इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। मिशेल बाचलेट ने कहा कि इस यात्रा के जरिए मुझे चीन में स्थिति को बेहतर ढंग से समझने का मौका मिला। चीन के अधिकारियों को हमारी चिंताओं को बेहतर ढंग से समझने और उन नीतियों पर पुनर्विचार करने का मौका दिया जिसके बारे में हमें लगता है कि वे मानवाधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने सिनजियांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन और नरसंहार की सभी रिपोर्टों का खंडन किया है। चीन ने एक बयान में कुछ पश्चिमी देशों और चीनी विरोधी तत्वों पर मानवाधिकारों की आड़ में झिनजियांग के बारे में सनसनीखेज झूठ गढ़ने का आरोप लगाया है। इसमें कहा गया है कि सरकार के हिंसक आतंकवाद से निपटने के लिए कानूनी उपाय अपनाए हैं और चीन के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में सुरक्षा स्थिरता और समृद्धि लाई गई है। चीनी पक्ष ने कहा कि अनिवार्य रूप से सिनजियांग मानवाधिकार का मुद्दा नहीं है बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने से संबंधित एक प्रमुख मुद्दा है। झिनजियांग के सभी जाति समूह चीनी राष्ट्र के परिवार से संबंधित है। क्यों होती है चीन की आलोचना? मानवाधिकार उल्लंघन पर होती है चीन की आलोचना। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने चीन पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि चीन अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश करता है। उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए चीन ने एक कैंप भी खोला है। इस कैंप में उइगर मुसलमानों को शोषित किया जाता है, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से दबाने की कोशिश की जाती है। आरोप है कि चीन में मुसलमानों की संख्या को घटाया जा रहा है। चीन इन आरोपों का खंडन करता है, इसे पश्चिमी देशों का उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा बताता है। खैर, बाचलेट ने मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख के तौर पर 17 साल में पहली बार चीन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मैंने नजरबंदी शिविरों की प्रणाली पर गौर करने के लिए स्वतंत्र न्यायिक निरीक्षण की कमी का उल्लेख किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन नजरबंदी शिविरों में 10 लाख से ज्यादा उइगर और अन्य जाति अल्पसंख्यकों को रखा गया है।